मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कुछ जो प्रमुख माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। अभी तक हमने लुईस पाश्चर और टिंडल के बारे में जानकारी ली। अब हम रॉबर्ट कोच और अन्य जेनर के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। हेनरिच हरमन रॉबर्ट कोच जर्मन वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1843 को क्लॉस्थल, जो कि किंगडम ऑफ हैनोवर जर्मनी कन्फेडरेशन में आता था, वहां पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 27 मई 1910 को बैडन, ग्रैंड ड्यूची ऑफ बैडन जर्मन एम्पायर के अंतर्गत हुई थी। इनका शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजेन में हुई थी। और इनका जो प्रमुख खोज है, जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, वो है बैक्टीरियल कल्चर मेथड। कोश की अपनी जर्म थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस, डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, कोलेरा के जो बैसिलस है उसकी डिस्कवरी, ये सारी प्रमुख इनकी खोज रही। इन्हें 1905 में मेडिसिन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। पाश्चर और टिंडल की तरह ही ये रॉयल सोसाइटी के मेंबर रहे थे। इन्होंने अपना जो साइंटिफिक करियर है वो एम्पीरियल हेल्थ ऑफिसर बर्लिन यूनिवर्सिटी के रूप में पूरा किया था। जैसा आपको बताया, हेनरिच हरमन रॉबर्ट कोच जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। प्रमुख तौर पर हम इन्हें जानते हैं कि इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा और एंथ्रेक्स के जो कॉजेटिव एजेंट हैं, उनकी खोज की। इस तरीके से ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के मेन फाउंडर में से एक हो जाते हैं। और इन्हीं कारण से हम इन्हें लुईस पाश्चर के साथ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मानते हैं। साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। 1876 में इन्होंने जब एंथ्रेक्स के बैक्टीरियम की खोज की, बैसिलस एंथ्रेक्स की, तो उस इवेंट को बर्थ ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के रूप में कई बार परिभाषित किया जाता है। इनकी खोजों ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये प्रतिपादित किया कि डिजीजेस का कारण जर्म्स होते हैं, न कि किसी तरह का कोई स्पॉन्टेनियस जनरेशन आदि। और इन्होंने पब्लिक हेल्थ की जो साइंटिफिक बेसिस है उसकी भी एक तरीके से स्थापना करी। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑयल इमर्जन लेंस, कंडेंसर लेंस, माइक्रोफोटोग्राफी जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। इन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अगार और ग्लास प्लेट के उपयोग करते हुए, जिसको बाद में इन्होंने पेट्री प्लेट के रूप में हमने इसका विकास देखा है, जो इन्होंने जूलियस रिचर्ड पेट्री के साथ मिलके, जो कि इनके असिस्टेंट थे, उनके साथ मिलके डिजाइन किया था, वो पेट्री प्लेट थी। तो इन्होंने कल्चर करने के लिए अगार और ग्लास प्लेट्स का इस्तेमाल किया और पहली बार किसी वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को ग्रो किया था। तो इसी खोज के कारण से 1880 में, इसी प्रयोग के बाद में 1880 में इन्हें इंपीरियल हेल्थ ऑफिसर के रूप में प्रमोट किया गया था, अपॉइंट किया गया था।
इन्हीं खोजों ने, बैक्टीरियोलॉजी में जो इनकी खोज है, उन्होंने ही एक मेडिकल कॉन्सेप्ट जिसे हम कॉस्ट पोस्टुलेट कहते हैं उसकी स्थापना की। कॉस्ट पोस्टुलेट में चार जनरलाइज्ड मेडिकल प्रिंसिपल होते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है कॉस्ट पोस्टुलेट में वो ये है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अवेयरनेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम डिजीज बट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। मीन्स बीमार व्यक्ति के अंदर पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवश्य मिलेगा जो कि किसी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा। इन्होंने दूसरा जो प्रतिपादन किया वो ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि डिजीज ऑर्गेनिज्म में है उसको अवश्य ही आइसोलेट किया जाना चाहिए और प्योर कल्चर में उसको ग्रो किया जाना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। तीसरा पोस्टुलेट था कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। जो कल्चर किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पुनः किसी हेल्दी व्यक्ति में इंट्रोड्यूस किया जाए, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर भी वह बीमारी, वह रोग हो जाना चाहिए। चौथा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले आइसोलेट किया गया था, जिसे कि हमने इनोकुलेट किया है दोबारा से, सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा की स्थिति में भी आइसोलेट होना चाहिए डिजीज्ड होस्ट में से अगर पुनः उसे निकाला जाए। तो ये इनका कॉस्ट पोस्टुलेट थे, चार थे ये, और चारों के आधार पर इनका ये जो मेडिकल मॉडर्न जो मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी है उसकी इन्होंने बहुत अच्छे से एक तरह से जनरलाइज्ड मेडिकल प्रिंसिपल के रूप में ये स्थापित हुए। आज भी इन प्रिंसिपल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं लाइक ब्रैडफोर्ड हिल का क्राइटेरिया आदि जो एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं उनको आज भी ये प्रभावित करते हैं। इन्होंने ट्यूबरकुलिन जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक मेडिसिन के रूप में मानी जाती थी उसके बारे में इन्होंने खोज की। 1884 में इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के जो कारण हैं उनके बारे में अपना वर्क पब्लिश किया था। 1905 में इन्हें इसी ट्यूबरकुलोसिस की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्रदान किया गया था। इसी कारण से 24 मार्च यह वह दिन है जिस दिन इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियम की खोज की थी, इस दिन के सम्मान में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के नाम से मनाता आ रहा है पूरा विश्व 1882 से। अगले जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो है एडवर्ड जेनर का नाम माइक्रोबायोलॉजी में काफी सम्मान से लिया जाता है क्योंकि यह वह वैज्ञानिक है जिनका नाम वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 17 मई 1750 में हुआ था और मृत्यु 26 जनवरी 1823 में हुई थी। ये इंग्लैंड के एक प्रमुख फिजिशियन
और साइंटिस्ट थे। इनके जो प्रमुख वर्क थे उनमें था वैक्सीन का क्रिएशन, जो कि विश्व की पहली वैक्सीन थी, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन विकसित की थी। इसके पीछे भी कहानी जो है वो काफी अनोखी कहानी है, बहुत अलग तरह की कहानी है। इन्होंने अपना खोज स्टार्ट की जब एक लड़की ने क्लेम किया कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। इन्होंने इस प्रयोग को करते हुए 14 मई 1796 में सरा नाम्स नाम की एक लड़की से जो उसके पॉस्ट्यूल्स के अंदर कंटेंट था उसे एक्सट्रैक्ट किया और इंजेक्ट किया उसे 8-year-old जेम्स फिप्स में। और इसके बाद देखा कि यदि उस व्यक्ति को पुनः बच्चे को उसको पुनः स्मॉल पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट से जब इनोकुलेट किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का सिम्टम्स प्रदर्शित नहीं हो रहे। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो शुरुआत में इंजेक्ट किया गया था पोस्ट्यूल के कंटेंट को, उस पोस्ट्यूल के कंटेंट के कारण से जेम्स फिल्प्स में इम्यूनिटी डेवलप हुई, जिसके कारण से पुनः उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम प्रकट नहीं हुआ। कुल इस तरीके के 23 वैक्सीनेशन की इवेंट उन्होंने 1798 तक पब्लिश की और इसके आधार पर उन्होंने बाद में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी तैयार किया। तो ये जेनर थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन के कंसेप्ट के बारे में हमें बताया। इस तरीके से हम यहाँ कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले टर्न पर हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।